corruption. Infrastructure. Health. Gender. Environment. Development. Conflict. Caste. Art and culture. Education. Corruption. Development. Health. Infrastructure. Education. Conflict. Environment. Art. Development. Corruption. हिमाचल प्रदेश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं ज़्यादातर संख्या हिंदू धर्म के लोगों की है लेकिन सोलन से 18 किलोमीटर दूरी पर एक दुलांजी नामक शहर है यहाँ पर बौन धर्म के लोग रहते हैं यह क्षेत्र बौन मॉनेस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है इस मॉनेस्ट्री की खास बात यह है कि यह भारत की सबसे प्राचीन और पहली बौन मॉनेस्ट्री है ये दुलांजी की बौन मॉनेस्ट्री है बौन धर्म को तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है इस धर्म के संस्थापक तोम्बा शेरव है यह धर्म बुद्ध धर्म से भी पुराना है ये लोग दलाई लामा को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं बौन भिक्षु अपने धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर उनका पूरा दिन पूजा पाठ और अपनी शिक्षा ग्रहण करने में बीत जाता है ज़्यादातर लोग तिब्बत के हैं और कुछ लोग भूटान तथा दूसरे देशों से भी आकर यहाँ पर बसे हुए हैं हमारा लोकल इंडियंस और हमारे बीच में कम्युनल हारमोनी है यहाँ पर जब भी यहाँ मंदिर पर जो भी एक्टिविटी वगैरह सेरेमनी वगैरह होता तो हम लोकल से भी मिलजुल कर करते हैं हमारा बीच में बहुत गहरा और अच्छे संबंध है ये लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर काफ़ी सजग हैं अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस मॉनेस्ट्री में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम की स्थापना भी की गई है जिसमें बौन धर्म की कई चीज़ों को रखा गया है जो इस धर्म के विभिन्न परंपराओं को नेतृत्व करती है जैसे पुरानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनको आज भी यूज़ किया जाता है पुराने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दीवारों पर लगी हुई मूर्तियाँ स्तूप इत्यादि यहाँ के लोग अपने पहनावे को लेकर भी काफ़ी सजग है महिलाएँ अपने परंपरागत कपड़े पहनना पसंद करती हैं दोलांजी में तिब्बती बच्चों के लिए स्कूल का प्रावधान है सिर्फ 10% हिंदू बच्चे इसमें दाखिला ले सकते हैं स्कूल में हिंदू अध्यापक भी है और तिब्बती अध्यापक भी है लेकिन वे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं हिंदू अध्यापकों को यहाँ पर पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है मैं पिछले 7 साल से इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ और तिब्बतन लोगों के साथ काम करते हुए इवन इंडियन से ज़्यादा मज़ा आता है ये लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं दूसरे देश में और दूसरी संस्कृति के लोगों के बीच में रहते हुए भी इन लोगों ने अपने धर्म और संस्कृति को अच्छी तरह संजोकर रखा हुआ है ये लोग हिंदू धर्म के लोगों के साथ सामंजस्य और भाईचारे से रहते हैं यहाँ तक कि अपने त्योहारों को हिंदू लोगों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं और हिंदू धर्म के लोगों को भी इनसे कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक उन्हें उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोटा दुलांजी हिमाचल प्रदेश से